नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिनभर की खबरों। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है और चलिए शुरुआत करते हैं दिन की कुछ खास खबरों के साथ। आपको दिखाते हैं खबर दिनभर के इस पहले बुलेटिन में खबर गौरीहार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चूहाखेरी की, जहां पर आपसी विवाद अगर कहा जाए तो पुरानी रंजिश के चलते पिता और पुत्र को गांव के ही तकरीबन आधा दर्जन लोगों ने लाठी डंडों के साथ कुल्हाड़ी मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया और इन दोनों के पिता और पुत्र की घायल स्थिति में आसपास के रहवासियों द्वारा इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भी लाया गया, जहाँ इनका इलाज जारी है। गाँव के ही छह लोग जो कि जिनके नाम कृपाल यादव, रंग बहादुर यादव, सुरेंद्र यादव, आत्माराम यादव और कल्ली यादव के साथ में उसकी बेटी रेखा यादव बताए जा रहे हैं। हम वहाँ जानवर ले आए थे डोकरा की, उनकी थोड़ी पुरानी रंजित, उन लोग छह आदमी छिपे रहे वहाँ और गोरु जानवर हाँक के फिर जाते थे, उसको गाली गलौज किया, एकदम मारने पर गिर गए। कृपाल यादव, रंग बहादुर यादव, आत्माराम यादव और उसका लड़का सौनारायण यादव, उसकी घरवाली कृपाल की, राम कृपाल की घरवाली कल्ली, उसकी लड़की रेखा, छह आदमी लाठी फरसा बल्लम सब लहे रहे कुल्हाड़ी। अब उनकी सलाह थी मारने के लिए, हमें कोई जानकारी नहीं, हम जानवर लेकर पिताजी को मार मार के बेहोश कर दिया, खोपड़ी फाड़ दी, कुल्हाड़ी मार दिया, हमको बहुत मारा, हमको भी पसार दिया मार करके वहीं। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम सोनी और आप देख रहे हैं पेप्टिक टाइम न्यूज। खबर दिनभर के इस बुलेटिन में चलिए आपको दिखाते हैं खबर छतरपुर शहर की। आपको बता दें खजुराहो में चतुर्मास का समापन करते हुए आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज दोबारा से एक बार फिर से उनका आगमन छतरपुर शहर में हुआ। जैसे इसकी जानकारी जैन धर्म प्रेमियों को लगी, वैसे ही हुजूम के तौर पर अगर देखा जाए तो धर्म प्रेमी के लोग डेरा पहाड़ी पर पहुंचे, जहां पर श्री आचार्य विद्यासागर जी महाराज का आगमन होते हुए उनके चरण कमलों को देखते हुए और उनके दर्शन मात्र के लिए लोगों का हुजूम एकत्रित हुआ। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कल शाम तकरीबन 5 बजे श्री आचार्य श्री महाराज विद्यासागर जी महाराज छतरपुर आ चुके थे, जिनके विश्राम हेतु डेरा पहाड़ी पर व्यवस्था की गई थी, जिसके बाद छतरपुर और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि राजस्थान और महाराष्ट्र से भी जैन धर्म के लोग एकजुट होकर के छतरपुर शहर पहुंचे, जहां पर आचार्य श्री के दर्शन करने के लिए भारी तादाद में संख्या में श्रद्धालु उमड़े। जी, पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज अपना चातुर्मास संपन्न करके खजुराहो से पदयात्रा करते हुए कल शाम को हर्षोल्लास के साथ भारी जन सैलाब के साथ डेरा पहाड़ी असर क्षेत्र पधारे हैं और आज यहाँ हम देख रहे हैं कि ग्वालियर, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों से लोग उनके दर्शन करने आए हैं। ललितपुर में पंचकल्याणक है, महाराज जी के वहाँ पहुँचने की संभावना है और अभी महाराज जी के प्रवचन होंगे और उसके बाद उनकी आहारचर्या होगी। इस तरह से पूरा जन सैलाब उमड़ा है और हमें सौभाग्य मिला है दूसरी बार उनके पाद प्रक्षाल का आने का। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। सरई थाना क्षेत्र के ग्राम छपरा में प्राथमिक स्कूल में पदस्थ शिक्षक महीनों में कभी कभार स्कूल जाते, वहां पर अतिथि शिक्षक के भरोसे ही स्कूल चलता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां मध्याह्न भोजन भी महीने में लगभग 15 दिन दिया जाता है। ग्राम छपरा में प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक अरविंद सिंह बुंदेला महीने में कभी कभार ही स्कूल जाते हैं। मीडिया द्वारा जब ग्राम छपरा में पहुंचकर प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया गया तो मास्टर जी स्कूल से गायब थे। ग्रामीणों ने बताया कि इस स्कूल में मास्टर जी कभी कभार आते हैं, अतिथि शिक्षक सर्वेश प्रतिदिन स्कूल आते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि बच्चों को मध्याह्न भोजन भी महीने में मात्र 15 दिन दिया जाता है। ग्रामीणों ने जब समूह संचालक रघुराज सिंह से मध्याह्न भोजन न देने का कारण पूछा तो उनका कहना रहता है कि उनके ऊपर से राशन नहीं मिलता है। ये समस्या है कि हमारे स्कूल में जो मध्याह्न भोजन है 15 दिन तक नहीं बनते हैं। और उनसे अगर कहा जाए कि कुछ भोजन क्यों नहीं बनते हैं, बोले हमको सामग्री ऊपर से नहीं मिलती है। अच्छा, उन्हें नहीं मिलती है। उन्हें नहीं मिलती है। और पढ़ाई का क्या है? पढ़ाई लिखाई का ये है कि जो अतिथि वाले हैं वे तो अपने टाइम पे आते हैं और जो वे हैं
किसी दिन आते हैं किसी दिन नहीं आते हैं। क्या नाम उनका मार साहब का? मार साहब का है अरविंद सिंह बुंदेला। यहाँ पे जो साला प्रभारी है वो क्यों नहीं आए हैं आज यहाँ पे? तो सर चढ़ावन पे बैठे हुए हैं इसलिए नहीं आए यहाँ पे। उनका प्रभार यहीं पे है ना? उनका चढ़ावन पे है लेकिन यहाँ पे वो लिए हैं, मतलब प्रभार लिए हैं वो। क्या नाम उनका? अरविंद सिंह बुंदेला। वो छपरा स्कूल का लिए हैं जी, लेकिन वो आज आए नहीं है। ऐसा महीने में कितनी बार होता? महीने में कभी ऐसा हो जाता है, एक आध दो दिन, नहीं दिन तो रोज आती है। और मध्याह्न भोजन बच्चों का क्यों नहीं बना आज? सामग्री नहीं दी है। किसने नहीं दी सामग्री? वो रघुराज सिंह हैं वो समूह में। अच्छा, जो संचालक हैं जो। हाँ, तो ऐसा महीने में कितनी बार होता कि जब वो सामग्री नहीं देते? महीने में लगभग हो जाता है 15 दिन लगभग हो जाता है। मतलब सामग्री नहीं देते, खाना बनते ही नहीं है बच्चों को 15 दिन तक। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। चलिए नजर डालते हैं आज की खबर पर। महाराजपुर से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्याला गांव में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि जो लोग सरपंच एवं अधिकारियों को पैसा देते हैं उन्हें ही शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है, बाकी लोगों को इन योजनाओं से वंचित कर दिया जाता है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ ना तो जाने आने के लिए सड़क है और कई तरह की समस्याएं इस गांव में व्याप्त हैं। स्याला गांव से लगभग 1/2 किलोमीटर दूर कुटने नदी से उस पार 50 से 60 लोग रहते हैं। उनका किसी भी प्रकार की शासन योजना का लाभ नहीं मिला। शासन द्वारा चलाई जा रही आवास योजना, श्रम कार्ड, शौचालय, ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनका लाभ उन ग्रामीणों को नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों को सड़क न होने के कारण नदी पार करके जाना पड़ता है। तकरीबन 40 से 45 फुट लंबी नदी को पार करके स्कूली बच्चे पढ़ने को जाते हैं। कहाँ के रहने वाले हो? सेला के। ये जो आप यहाँ से गुजर के जाते हैं ये कौन सी जगह है? किरकान घाट। किरकान घाट। किरकान घाट का पानी है। हाँ। ये ऐसी बना रहता है क्या? ऐसी। कितने सालों से आप इस तरीके से गुजर के जा रहे हैं यहाँ से? जब से हमने जन्म लाओ तब से आप यही से गुजर रहे हो इसी तरीके से? हाँ, इसी तरीके। अच्छा, यहाँ पे आपके परिवार जो है यहाँ कितने लोग रहते हैं? कम से कम 50-60 आदमी रहते हैं यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे रहते। अच्छा, जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या इसी तरीके से? इसी तरीके से वो कंधन पे बैठा बैठा के निकाल रहे थे और ट्यूब पे कछु स्थिति ऐसी उठा के ले जाने आओ तो डूब के यही पानी में हो। अब आप शासन, ये यहाँ के जो सरपंच हैं, सचिव हैं, क्या इनसे कभी आपने इस बात को कहा है? कहा है लेकिन सुनो नहीं है का उन्हें नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो आवास योजना है चली है प्रधानमंत्री, क्या इसका कोई लाभ मिला है अभी तक आपको? कुछ लो नहीं। हाँ। कभी नहीं मिले यहाँ मैं स्टाफ जाम जाने। हाँ, तो ये कब से आप ऐसे निकल रहे हैं? जब से हम आए हैं, जब से जिंदगी हम आई थे, आई जाए से डूबे डूबे न काए थे हम बाल बच्चन। नमस्कार, खबर दिनभर में आपका स्वागत है। चुनाव नजदीक है और चुनाव के पूर्व अब जनता नेताओं पर भारी पड़ रही है। चुनाव के पहले जहां नेताओं के पीछे जनता घूमती है तो अब चुनाव के दौरान नेताजी जनता के पीछे घूम रहे हैं। उधर जनता भी अपने 5 साल का हिसाब किताब चुकता करने में जुटी है। अपनी लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए कुछ नहीं तो अपनी बातें तो सुना ही रही है। छतरपुर के पठापुर रोड पर पहाड़ी काटकर रास्ता बनने का मामला 15 साल से लंबित पड़ा है और अब यहाँ के लोग इस बात से नाराज हैं कि सरकार ने उनका रास्ता नहीं बनवाया है, इसलिए ये लोग चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। छतरपुर शहर के पठापुर मार्ग के पीछे स्थित एक बड़ी कॉलोनी है जो कि यहाँ आकाशवाणी तिराहे के समीप पहाड़ी काटकर खुलती है। ये पहाड़ी काटकर रास्ता बनाए जाने की मांग लंबे अरसे से कर रहे हैं लेकिन रास्ता बन जाने में दिक्कत आ रही है और ये काम पूरा नहीं हो पाया है, इससे अब ये लोग चुनाव के पहले अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। रोड का काम लगता है फिर बंद हो जाता है, मशीनें आती हैं फिर बंद हो जाती हैं। सरकार 15 साल से वही बनी हुई है मोदी की और फिर भी काम बंद हो रहा है। ये अब बताइए क्या किया जाए। पूजन तो कई बार हो चुका है भूमि है और फिर भी कुछ नहीं होता इसका काम। बोलते हैं कि अब होगी। क्या मांग करती हुआ है? हम लोग चाहते हैं कि रोड हो जाए इसकी, फिर भी रोड नहीं हो रही है। रोड का काम 2-3 महीने पहले चालू हुआ था और मंत्री जी भी आई थी और
नगर पालिका अध्यक्ष भी आई थी, कह रही थी कि चुनाव के पहले पहले रोड निकल जाएगी, वादा किया था उन्होंने चुनाव के पहले पहले रोड चालू कर दी जाएगी। और पावर हाउस भी बगल में था, इसमें विवाद भी काफ़ी हुआ था, तो पावर हाउस के लिए भी जगह दी गई थी, उसी के बगल से रोड के लिए जगह दी गई थी। स्थिति ये है कि काम माटी निकलती रहती है, कभी कभी आते हैं ट्रैक्टर माटी ले जाते हैं, बस खुदाई बंद है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। कल छतरपुर के ट्रांसपोर्ट नगर पर एक डीजल टैंक में आग लग जाने से एक बड़ा हादसा सामने आया था। इस हादसे के दौरान लगभग 6 लोग बुरी तरह झुलस गए थे, जिन्हें जिला अस्पताल लाया गया था। यहां से 2 गंभीर लोगों को झांसी रेफर कर दिया गया है, जबकि 4 लोग जिला अस्पताल में ही भर्ती हैं। इन 4 लोगों को 24 घंटे में इलाज मुहैया नहीं हो पाया है। आज पूरे दिन रविवार पड़ जाने के कारण कोई भी डॉक्टर अस्पताल में इन गंभीर रोगियों को देखने के लिए नहीं पहुंचा। आपको बता दें कि कल नौगांव रोड पर ट्रांसपोर्ट नगर के समीप वेल्डिंग के दौरान पास में खड़े एक डीजल टैंकर में आग लग गई थी और उसमें ब्लास्ट होने के कारण 6 लोग बुरी तरह से झुलस गए थे। मेरे पापा एडमिट है यहाँ पे, और कल 3 बजे से कोई कल थोड़ा आए थे डॉक्टर, बस चले गए, सुबह से डॉक्टर नहीं आए। बताओ ऐसा थोड़ी होता है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, देखे नहीं आए डॉक्टर। वह टैंक फट गया वहाँ पे ट्रक का, उसमें बहुत भीषण आग लग गई, इस कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा 5 लोग 6 लोग जल गए उसमें, और कई लोग दिल्ली चले गए और ग्वालियर भी चले गए। इसलिए हम डॉक्टर को चाहते हैं डॉक्टर आए बताएं, अगर उनकी बस की नहीं है तो वो बाहर रेफ़र करें, या तो डॉक्टर आए नहीं, आज डॉक्टर आना चाहिए ना। वैसे हमारे रिश्तेदार हैं बहनोई साहब हैं छोटे, और पड़ोसी भी हैं भैया जी विश्वकर्मा जी। क्या हुआ कि कल जो यहाँ ट्रांसपोर्टर का हादसा हुआ, उसमें वेल्डिंग हो रही थी, तो तेल ऑयल टैंक होता उसमें आग लग जाने के कारण ये 5-6 लोग झुलस गए थे। तो रात को डॉक्टर आए, 3-4 डॉक्टर जो भी थे वो एडमिट तो कर गए। रात को ट्रीटमेंट थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन 2-3 पेशेंट इतने नर्वस हो गए थे, उनको रात को ही ले जाना पड़ा। वो डॉक्टर की बिना मर्जी से परमिशन लेके उनके घर जाके, और वो चले गए, तो बताओ ग्वालियर कोई दिल्ली तक चला गया। इसी स्थिति में हम लोग 3 लोग यहाँ पड़े हुए हैं। अभी सुबह से आपके डॉक्टर आएंगे, भाई हम लोगों को ट्रीटमेंट बताएंगे कि भैया आ गया क्या स्थिति आप लोगों की, ठीक हो या कोई सीरियस हो तो बाहर ले जाओ। अभी तक कोई नहीं आया। ये स्थिति है कि 2 बजने को है अभी, कोई नहीं आया। हम लोग डॉक्टरों की राय देते हैं, कोई पेशेंट कुछ हो जाए तो उनका क्या, हम लोग गरीब आदमी हैं, उसका मर जाए चला जाए तो कोई भोगेगा। तो इस तरह की लापरवाही हमारे हिसाब से नहीं होना चाहिए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। गौरिया थाने के अंतर्गत 2 परिवारों के बीच में विवाद हो गया, और विवाद के बाद लाठियों और फरसों से एक दूसरे के सर फोड़े गए। दोनों परिवारों के 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। मामला शनिवार का था। बताया जा रहा है कि रिचारिया परिवार के भूरा छोटे लल्लन राजेंद्र और विनय खेत पर थे। उनके मुताबिक रैकवार परिवार के धनपत नन्हे और तुलाराम अपने मवेशी उनके खेत में भेज रहे थे, जिसका इन्होंने विरोध किया और उसके बाद उन्होंने मारपीट कर दी। वहीं धनपत नन्हे और तुलाराम जो भी घायल हैं, उनका ये कहना है कि उनका बच्चा उनके खेत में चला गया, जिसकी वजह से उन्होंने विवाद किया। हालांकि इस पूरी घटना में रिचारिया परिवार के 5 लोग तो वहीं रैकवार परिवार के 3 लोग घायल हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया है। राजेंद्र रिचारिया में मारा है, और लल्लत रिचारिया, भूरा रिचारिया और छोटे रिचारिया बीजा रिचारिया में कुछ एक बच्चे निकलने के कारण से उन्होंने गाली गलौज दी, और हमारी बहन को और भांजी को भी गाली गलौज कर रहे थे। सभी लोग आके मिलकर उनको मार रहे थे, हम बचाने आए तो हमको भी मारा लाठियों से और बाका से। साहब अपने खेत में फसल बोई थी, तो ये लोग अपने जानवरों लेके जबरदस्ती हमारे खेत में चरा रहे थे। तो भैया गया वहाँ रोकने कि भैया खेत में न चराओ। सो जी भैया का मारन लगे, सो पता चलो, सो गांव से फिर दूसरे भैया गए, सो फिर तीसरे गए, सो सबका मार मारो तहीं गिरा दो इनने। बाबू था, धम्मू था, नन्हे था, और तुलैया था, और नन्हू था, अत्ते था, अत्ते। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है, मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। जिला अस्पताल की भव्य बिल्डिंग बनकर तैयार हो चुकी थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 30 सितंबर को रात में 1:30 बजे इसका लोकार्पण भी कर दिया था।
अब लगभग डेढ़ महीना होने को है, लेकिन बिल्डिंग जस का तस खड़ी है। वहां पर किसी भी तरह की शिफ्टिंग अभी नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि अभी कुछ अंदरूनी काम बचा हुआ है, यानी कि लोकार्पण की इतनी जल्दी थी कि काम पूरा होने के पहले ही उसको लोकार्पित कर दिया गया, जबकि डेढ़ माह से उस बिल्डिंग को लोग देख रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं जिला अस्पताल में थीं और जो भवन तोड़े गए, वहां पर जो डॉक्टर्स बैठे थे या फिर जो वार्ड थे वो वहां से ख़त्म हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द अगर वार्ड यहां पर शिफ्ट हो जाते हैं तो मरीज़ों को उसका फ़ायदा मिलेगा। कई ऐसे इमरजेंसी वाले केसेस भी हैं जिनके मरीज़ों को जनरल वार्ड में लेट कर अपना इलाज कराना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि इस भवन को, इस अस्पताल की बिल्डिंग को जल्द से जल्द शुरू होना चाहिए। सुविधाएँ तो है, यहाँ जो बिल्डिंग नई बनी है वो चालू होना चाहिए। हमारा मरीज 5-6 दिन से है आईसीयू में, उन्हें भर्ती के लिए लिखा है। हम आईसीयू में गए, वहाँ पर जगह खाली नहीं है। हम जनरल वार्ड में डाले अपने मरीज को, वहाँ लटाए हुए हैं। ये नई बिल्डिंग है, इसको चालू होना चाहिए हमारे हिसाब से। तो हो सकता है तो नई मुद्दा हो कि वो उद्घाटन कर दिया हो, चालू आज तक नहीं की इन्होंने, ना उसमें एडमिट कोई हो रहा है ना चालू कर रहे उसको। हाँ सुविधा बिल्कुल होगी, ये अगर बिल्डिंग में एडमिट हो जहाँ लगे जगह बहुत का अच्छी है उसमें। खबर दिन भर में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें, जिले भर की खबरें लगातार और हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। हम आपको लगातार कराएंगे अपडेट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।